नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें आज हम लोग डाइवोर्स का ही पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइवोर्स का सेक्शन 1 बताया था, सेक्शन 27 का सब सेक्शन 1 बताया था, उसके ग्राउंड्स बताए थे। तो एडिशनल ग्राउंड्स 1A के अंदर में जो वाइफ को मिलते हैं वो मैंने बताया था। आज हम लोग वही सेक्शन 27 का सब सेक्शन 2 जो है वो देखते हैं। तो उसमें ये बोला गया है कि डाइवोर्स की पिटीशन हम लोग और कब डाल सकते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की पार्टी डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो कब डाल सकते हैं। तो पहला है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन का कोई डिग्री मिल गया है, जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री अगर मिल गया है और मिलने के बाद कम से कम एक साल के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टी में कोहेबिटेशन नहीं हुआ, साथ लोग रहना शुरू नहीं किए कम से कम एक साल के लिए, तो ये अगर कंडीशन अगर है तो वो फिर फाइनल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन जो है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास की गई और पास करने के एक साल, कम से कम एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर रेस्टिट्यूशन हुआ ही नहीं, कंजुगल राइट्स हो ही नहीं पाया, उस केस में भी डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाला जा सकता है। तो ये 27 का सबसेक्शन 2 था। अब हम लोग, क्रुएल्टी एक बहुत वास्ट है, तो क्रुएल्टी के बारे में कुछ एक कंडीशंस है कि क्रुएल्टी बहुत तरह की हो सकती है। कुछ एक इंस्टांसेस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक केस ही था कि हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था, है शादी के बाद से ही हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था और घर लेट लौटता था। तो वाइफ ने डाइवोर्स के लिए जो पिटीशन फाइल की उसमें इसी ग्राउंड को एज क्रुएल्टी बोल करके डाला कि ये मेरे ऊपर क्रुएल्टी है। तो कोर्ट इस बेस को देख करके, साथ ही साथ दूसरे कंडीशंस और चीज़ों को देख करके भी ये क्रुएल्टी का जो था ग्राउंड उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए बेस फॉर डाइवोर्स। दूसरा था कि थोड़े समय की शादी में ही वाइफ ये जब डाइवोर्स के लिए अपनी पिटीशन दी क्रुएल्टी को बेस बना करके, तो क्रुएल्टी को कैसे वो प्रूफ की, वो बोली कि शादी के बाद से ही हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता था और मुझे छोड़ छोड़ के लंबे टूर पे चला जाता था, तो इससे मेरे मन को मुझे बहुत दुख पहुंचता था, जो कि एक तरीके की क्रुएल्टी है, मानसिक क्रुएल्टी है। और इस बात को हस्बैंड अपोज नहीं करता, ठीक है, और हस्बैंड नकारता नहीं, तो कोर्ट ये चीज़ इस बेस को क्रुएल्टी मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। थर्ड है, इसमें आइए वाइफ का एक बता देते हैं कि वाइफ हस्बैंड के ऊपर में झूठा आरोप लगाती है, बेतुकी बात करती है, हैं बोलती है कि उसके कली के साथ उसका स्कैंडलस अफेयर्स चलता है, ठीक है, उसको एक गलत नाम से एड्रेस करती है, ठीक है, जबकि जो केस में जो है वो जो हस्बैंड है वो एक सीनियर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और सिख है, तो उसको सिखरा बोल करके बोलती है, जो कि गलत बात है। तो इसको भी कोर्ट क्रुएल्टी मानती है, मतलब हस्बैंड जो अप्लाई किया डाइवोर्स के लिए इस बेस को बना करके कि इसके वाइफ उसको इस तरीके से ट्रीट करती है और ये क्रुएल्टी है, क्रुएल्टी का ही टाइप है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट। तो क्रुएल्टी एक बहुत वास्ट एक वो है, तो क्रुएल्टी में अगर ग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेबल हो सकता है तो उसमें किया जा सकता है। अच्छा, अब और एक है आपका 27A, एक सेक्शन है इसमें, ये बोलता है मतलब कि रिलीफ दिया गया है डाइवोर्स को लेकर, किस टाइप का रिलीफ दिया गया है, सेक्शन 27A में ये बोला गया है कि कोर्ट के पास में डाइवोर्स का पिटीशन आया, ठीक है, ग्राउंड था 27(1) का सारा ग्राउंड
एक्सेप्ट ग्राउंड जी। ग्राउंड जी बोलता है कि अगर हस्बैंड छोड़ करके चला गया है कम से कम 7 साल के लिए, कहाँ गया किसी को नहीं पता, और जिसको पता होना चाहिए उसको भी नहीं पता, तो जो ग्राउंड होता है डाइवोर्स लेने के लिए, इस ग्राउंड को छोड़ कर बाकी कोई ग्राउंड के ऊपर में अगर डाइवोर्स मांगा गया है किसी भी पार्टी के द्वारा, और कोर्ट को अगर ये लगता है कि डाइवोर्स नहीं दे करके जुडिशल सेपरेशन का डिग्री एक दे देते हैं, तो वो दिया जा सकता है। ये है सेक्शन 27A। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। अब नेक्स्ट में म्यूचुअल कैसे डाइवोर्स होता है उसके बारे में बात करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।